अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आए मैं आज आपको बिल्टन ओवंस के बारे में कुछ बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए बिल्टन ओवन परचेज़ करने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसकी क्या डायमेंशन होती है, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। बिल्टन ओवन के अंदर दो किस्म के ओवन आते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है गैस। इलेक्ट्रिक में भी आता है, गैस में भी आता है, ड्यूल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर की डिमांड जो है ड्यूल की होती है। उसमें इलेक्ट्रिक या गैस की ऑप्शन होती है, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको गैस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओवन है मैनुअल में, आपको ये बता दें कि इसमें जो है मैनुअल में अगर आप लेते हैं तो आपको ड्यूल ऑप्शन मिल सकती है इलेक्ट्रिक एंड गैस में। अगर आप टच में लेना चाहेंगे तो टच के अंदर करीब आए, आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। अगर आप टच के अंदर आएंगे तो टच के अंदर जस्ट आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा। अगर आप ड्यूल में लेना चाहेंगे तो फिर आपको इलेक्ट्रिक एंड गैस मिल जाएगा, और वो मैनुअल में होगा, टच में हरगिज नहीं होगा। इसकी डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। इसकी डायमेंशन में अगर आते हैं तो इसकी जो आउटपुट जो इसकी डायमेंशन है वो है 23 इंचेस, दोनों तरफ से, चारों तरफ से 23 इंचेस है। और इसके अगर इंटरनली जहाँ पे आप इसको फिर बिल्ट इन करते हैं, फिटिंग करते हैं, वो 21 इंचेस होती है चारों तरफ से। इसके अंदर आपको स्टील लुक भी मिलेगी, ग्लास लुक भी मिलेगी। ये जितने भी आप देखते हैं बिल्टन ओवंस, ये सारे के सारे बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में असेंबल्ड हरगिज नहीं होते। हमेशा चीज़ की प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखकर चीज़ को परचेज़ करना चाहिए। आप ये देख रहे हैं ग्लॉसी लुक है इसकी, स्टेनलेस स्टील में है। उसके अलावा टोटल लुक में देखें आप, इसमें आपके पास टेम्परेचर कंट्रोलर 1 से लेकर 8 तक टेम्परेचर कंट्रोलर होते हैं। इलेक्ट्रिक में आएंगे तो 8 तक कंट्रोल जाएंगे, अगर आप गैस में आएंगे तो टेम्परेचर कंट्रोल 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक में अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल 8 तक जाते हैं मैक्सिमम तो 2000 वाट लेता है। अगर आप उसको एक टेम्परेचर पे लेके आते हैं, फर्स्ट कंट्रोल पे लेके आते हैं, तो वो 200 वाट से शुरू होता है। तो जो नॉर्मल हमारी हीटिंग जो होती है, जो बिल्टन ओवन में यूज़ होती है, उसके लिए 6ठा ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, 8वां ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दी बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपके लिए 1200-1500 वाट का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब हम चलते हैं, ये देखिए, ये ब्रांड है सिग्नेचर, इसमें ग्लॉसी लुक है। ये अब जस्ट इलेक्ट्रिक में है, इलेक्ट्रिक ओवन में जस्ट आपको एलिमेंट मिलेगा, इसमें गैस का भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अब आपको मैं इलेक्ट्रिक एंड गैस में दिखाता हूँ, ये मॉडल लगा हुआ है, ये भी सिग्नेचर में है, ये इलेक्ट्रिक एंड गैस है। आप इसमें इलेक्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं और गैस भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बर्नर नज़र आ रहे हैं आपको, ये गैस में ऑप्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक एंड गैस में आपको हमेशा ड्यूल मिलेगा और वो मैनुअल में मिलेगा, टच में हरगिज नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे पास विजिट भी करेंगे सैयद हाशिम की लानी, तो मुझे खिदमत का मौका भी देंगे। कभी कोई चीज़ परचेज़ करनी हो आप इस मार्केट में तो भाई को याद